जहाँ बात आती है आपकी भाई एक कॉम्पैक्ट सेडान की, मतलब छोटे एक सेडान मिल जाए और भाई इसमें थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह मिल जाए, तो आपके दिमाग में चार पांच गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि आपकी अमेज हो गई, ओरा हो गई या फिर डिज़ायर हो गई, और आपके दिमाग में भाई एक गाड़ी और ज़रूर से आती है जो कि आपके सामने आज खड़ी है, टाटा की टिगोर। अगर कोई बंदा इस सेगमेंट पे अपनी गाड़ी परचेज करने के लिए जाता है तो इस गाड़ी को ज़रूर से देखता है, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस गाड़ी की, और भाई टाटा की गाड़ी है और टाटा का आजकल भाई सभी को पता है कि कितनी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है, मतलब सेफ्टी से लेके फीचर्स तक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर गाड़ी ऑफर कर दे रहा है। सामने आज हमारी गाड़ी भाई टिगोर XM वेरियंट, ये CNG वाली नहीं है, नॉर्मल वाली आपकी गाड़ी है, ठीक है। CNG का बेसिक इस पर आगे स्टीकर लग रहा हो, लेकिन CNG वाला वेरियंट ये नहीं है। बाकी डायमेंशन वगैरह की अगर बात करें तो भाई वही आपकी 4 मीटर के अंदर आती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आपकी 4 मीटर के आसपास ही इसकी लेंथ आपकी देखने के लिए मिलती है। बाकी एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और अगर यहाँ की बात करें तो 35 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक भी देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आगे आ जाते हैं, आगे से बात करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे इस वीडियो में, तो निश्चिंत रहिए भाई, टिगोर के बारे में आपको हर जानकारी देंगे। यहाँ पर मिलता है आपको इसमें हैलोजन हेडलैम्प, और बढ़िया यहाँ पर इसमें आपको भाई इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलते हैं, और यहाँ पर अपना हैलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है। नीचे इसमें कोई भी फोग लैंप वगैरह नहीं आता इस वाले वेरिएंट में, इससे जैसे आप ऊपर जाते हो एग्जेड में उसमें मिल जाता है, और जैसे हम इसकी ग्रिल पर आते हैं यहाँ पर आपको इसमें ट्राई और शेप में वही ब्लैक प्यानो फिनिश में यहाँ पर ग्रिल देखने के लिए मिलती है, बढ़िया सी लगती है बिल्कुल लुक वगैरह इसकी, बीच में अपने टाटा का लोगो मिलता ही है, और लुक वगैरह फ्रंट से बाकी बिल्कुल टियागो है दूसरी आपकी, बस टियागो का सेडान वेरिएंट आप इसे कह सकते हो। जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पर आपको इसमें भाई व्हील कैप देखने के लिए मिल जाते हैं, टायर साइज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 14 इंच का टायर देखने के लिए मिलता है, प्रोफाइलिंग वगैरह आपको दिख रही होगी अच्छा खासा, यहाँ पर आपको इसमें व्हील कैप देखने के लिए मिलता है, और रिम भी इसके ब्लैक हो रखे हैं तो अच्छे लगते हैं भाई व्हील कैप उसके ऊपर से। और इधर की अगर बात करें यहाँ आपको भाई ब्लैक में देखने के लिए मिलता है, मतलब बॉडी कलर नहीं है, यहाँ पर इधर की साइड इंडिकेटर मिलता है, ऊपर की साइड इस पर इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिलता। डोर हैंडल्स भी भाई इसके अपने बॉडी कलर नहीं मिलते, वो भी आपके वैसे ही मिलते हैं नॉर्मल, आप बाहर से पेंट वगैरह करा सकते हो, और इसमें आपको कोई भी बाइक कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती। जैसे हम अंदर यहाँ पर आते हैं भाई डिफरेंट सा ही कलर यहाँ पर यूज़ हो रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मतलब बहुत ही यूनिक एक चीज़ है, काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर आपको इसका इंटीरियर का कलर देखने के लिए मिलता है, बहुत ही यूनिक सा लगता है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, और वन टच अप एंड डाउन आपको नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में, और जैसे हम पीछे आते हैं यहाँ पर आपको भाई मिरर्स लॉक करने का बटन देखने के लिए मिल जाता है अच्छा खासा। यहाँ पर भाई हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है प्रॉपर, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक कोई भी यहाँ पर सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, बाकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें अच्छी है, यहाँ पर इस तरह से लोग हो जाता है, और ये भी आपको ब्लैक सी नॉर्मल क्रोम वगैरह में नहीं मिलता, नॉर्मल ही मिलता है। नीचे यहाँ पर भाई बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्पीकर वगैरह की बात मिल रही है, और यहाँ पर सीट में आपको भाई कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलता, तो ये एक चीज़ है, बाकी आपको रिक्लाइन आप उसे कर ही सकते हो, कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर देख लो भाई इधर से आपका इसका हुड वगैरह ओपन करने का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, और अगर पेट्रोल वगैरह के लीवर की बात करें, आप बूट स्पेस के लीवर की बात करें, तो वो नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं आपको, दोनों अलग अलग मिल जाते हैं, यहाँ से आपका पेट्रोल का हो गया, ये आपका अपना बूट को ओपन करने के लिए हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह की मिलती है। आप चलते हैं गाड़ी में एक बार अंदर अंदर से और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। XM वेरिएंट भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, क्योंकि हर एक बेसिक फीचर आपको इस वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका कम बजट है तो भाई इस वाले वेरिएंट की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको मिलती है। बाकी 6,70,000 आपको इस वाले वेरिएंट की भाई एक शोरूम कीमत पड़ती है। ऑन रोड आपको देखो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, वो आप चेक कर सकते हो, और इंटीरियर वगैरह में देख लो बढ़िया अपने चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, सभी चीज़ मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको भाई ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते, आपको मैनुअली यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पर स्टेयरिंग पर आते हैं तो आपको कोई भी बाई डिकेट मिलता है, लेकिन कोई भी आपको यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, और इस वाले वेरिएंट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इसमें मिले। यहाँ पर ये आपको ब्लैक क्रोम में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है नीचे की साइड, बाकी आपको अच्छा से स्टेयरिंग लगता है देखने में, सेम टाटा गाड़ी में सभी में वही आता है भाई, आपका एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं, तो एक इधर मिल जाता है और एक आपका स्टेयरिंग पर देखने के लिए मिलता है, टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ की अगर बात करें भाई आपको डिजिटल इसमें मीटर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल मीटर आपको एक अच्छी फील देता है कैबिन में, जब आपको एग्जैक्ट दिख रहा होता है कि इतनी स्पीड पर हमारी गाड़ी चल रही है, तो ये एक फैक्टर है, वरना तो दोनों चीज़ अपनी सेम ही होती हैं। बाकी जब आप इसे चलाते हो तो कलरफुल सा भी दिखता है मीटर आपका काफ़ी, वो भी अच्छा लगता है। और जैसा ही इधर आते हैं यहाँ पर आपको AC इवेंट देखते हैं भाई, यहाँ पर आपको क्रोम का काम चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है, बीच में अपना हजरलाइट का बटन मिलता है, डिसेंट लगते हैं, बढ़िया अपना शेप में मिलते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा और नीचे आते हैं यहाँ पर आपको भाई 2 DIN का हार्मन पावर्ड सिस्टम देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है भाई, हार्मन का है तो और भी अच्छी बात है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं आपको, बाकी इसमें आपको भाई ब्लूटूथ ऑक्स ये सब चीजें मिल जाती हैं, और सारे बटन आपको इसमें टच में मिलता है, कोई भी फिजिकल बटन नहीं मिलता, ये पूरा खाली आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरह कुछ यहाँ पर सेटअप है। जैसे हम और नहीं चाहते यहाँ पर आपको मिल जाता है मैनुअल AC, तो AC वगैरह के नोब वगैरह देख लो किस तरह के यहाँ पर देखने में लगते हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, नॉर्मल हैं। जैसे हम और नहीं चाहते यहाँ पर आपको भाई एक USB पोर्ट मिल जाता है, और अपना एक भाई 12 वोल्ट सॉकेट भी नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे मिल जाती हैं। अपना चार्ज वगैरह आप आराम से यहाँ पर फ़ोन को कर सकते हो, तो फोन चार्ज के लिए फ्रंट वाले पैसेंजर को तो कोई भी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको भाई 5
स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये वाला वेरिएंट आपका सीएनजी में भी देखने के लिए मिल जाता है। उस वाले वेरिएंट के लिए आपको 90,000 एक्स्ट्रा पे करने होता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। सीएनजी आपको मिल सकती है इस गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं पीछे, और यहाँ पर देखो एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है ऊपर वाले वेरिएंट में, हाँ इस वाले में नहीं आता। बाकी अपने हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, बढ़िया चीज़ है भाई। इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, इधर की साइड एसी वेंट देखो बढ़िया अपने ब्लैक क्रोम में मिलते हैं, तो ये भी अच्छे से देखने में लगता है। ग्लव बॉक्स एक बार और दिखा देता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा छोटा लगा मुझे, मतलब टाटा की कार्स के कंपैरिजन में, बाकी तो बड़ा है भाई। ठीक है, जैसे अल्ट्रोज हो गया और अपने और कार्स हो गए उनकी, उनका बड़ा है काफ़ी, इसका थोड़ा छोटा है। यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता ऊपर, बाकी आपको इधर ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं अच्छे खासे, तीन साइड मिलता है भाई ड्राइवर सेट, आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। बीच में आपको एक डे एंड नाइट का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ये और बेहतर चीज़ एक होगी, यहाँ पर आपको डे एंड नाइट का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। इधर की साइड आते हैं, यहाँ पर आपको भाई टिकट होल्डर भी देखने के लिए इस वाले के वेरिएंट में आपको मिल जा रहा है, मतलब फुल पैक्ड भाई, बढ़िया गाड़ी है, तो मजा आने वाला आपको, पूरा सही रेट में आपको मिल जा रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर देखो भाई अपना कोई भी आप तस्वीर वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक जगह सी दे रखी है प्रॉपर, तो कुछ भी आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो, तो काफ़ी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी अगर सीट वगैरह की बात करें, सीट क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डिसेंट लगी, विंग्स वगैरह अच्छे हैं, और अपने साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी फ्रंट पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और अपना ड्यूअल टोन टाइप में ये अपनी सीट कवर मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर कपड़ा देखो यूज़ हो रखा है। बाकी अगर ऊपर की बात करें, यहाँ पर आपको LED एक लाइट मिल जाती है, वो बीच में मिलती है, फ्रंट में आपको नहीं दे रखी, तो दोनों काम हो जाएगा भाई, बीच में कंपनी ने डाल दी, को सेटिंग कह लो कुछ भी कह लो, लेकिन ठीक लगी मुझे ये चीज़, सेटअप काफ़ी बढ़िया लगा और लाइट काफ़ी ब्राइट भी जल रही है आपकी। और एक बार पीछे वाली सीट पे और देखते हैं भाई कितना आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिलता है। देखो स्पेस वगैरह की मुझे कमी गाड़ी में नहीं लग रही, क्योंकि 4 मीटर भाई काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, और अपना डिसेंट यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले पीछे वाले डोर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको भाई पावर विंडो वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। सेम कलर पैटर्न यहाँ पर यूज़ रखा है, बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको डोर में स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है बढ़िया। तो पीछे यहाँ पर भी आपको भाई कोई भी कमी मुझे नहीं लगी किसी भी चीज़ में, बाकी सब चीज़ आपकी सेम ही मिलती है ऑलमोस्ट, ये भी आपको वही मिलता है हार्ड प्लास्टिक में, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह काम इस वाली वेरिएंट में नहीं आपको मिलता। एक बार अंदर बैठ जाते हैं गाड़ी में भाई, देखो सीट वगैरह मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक लग रहा है, एडजस्टेबल भाई हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे वाले। बाकी यहाँ पर स्पेस देखो भाई कितना मिलता है, आगे वाली सीट पूरी पीछे हो रखी है आपकी, ठीक है, तब भी यहाँ पर काफ़ी आपका स्पेस बन जा रहा है, मतलब डिसेंट यहाँ पर आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है, कोई भी परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली स्पेस के मामले में। और पीछे बैठ के भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा सा महसूस होता है, स्पेशियस लगती है, एयरी लगती है, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्लासेस भी लगा रखे हैं भाई कंपनी ने, तो बढ़िया सा यहाँ पर आपको व्यू बाहर का भी मिलता है देखने के लिए। और इस सेगमेंट में जो भी लोग अपना गाड़ी परचेज करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सेम प्राइस में आपको हैचबैक भी मिल जाती है, और अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा के आपको कॉम्पैक्ट SUV भी मिल जाती है। लेकिन भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए तो परफेक्ट गाड़ी, यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, और अपने नीचे भाई कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह यहाँ पर नहीं आता, सेडान में नहीं मिलता, ज़्यादातर में नहीं मिलता, बाकी जितनी भी आपकी लंबी सेडान होती है वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलता, बाकी आपको डिफोगर वगैरह तो मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई लाइट वगैरह देखो किस तरह यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बढ़िया सेटअप है, यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है पूरी इधर से इधर तक अपनी लाइट देखने के लिए मिलती है, और कुछ सिल्वर से टाइप में आपको लाइट मिलती है, अच्छी सी लगती है भी देखने में। यहाँ पर आपको टिगोर की बैजिंग मिलती है, नीचे यहाँ पर क्रोम मिल जाता है काफ़ी सारा, यहाँ पर कैमरे की जगह मिलती है, और ऊपर यहाँ पर आपको भाई टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, बढ़िया लगता है भाई। चाबी से खोल सकते हो या फिर अंदर से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ से आप इसे खोल सकते हो, मैंने पहले ही खोल दी थी, तो खुली बढ़िया गाड़ी भी, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया चीज़, ये जो हिंजेस हैं ये भाई ऊपर लगे हुए हैं, तो उससे पूरा अपना ये टेल गेट खुल पा रहा है, उससे जगह काफ़ी यहाँ पर मिल जा रही है, तो बढ़िया यहाँ पर आपको डिसेंट बूट स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है, पूरा आपको 419 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिल जाता है, और एक बार स्पेयर व्हील का भाई हम साइज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको 1 इंच कम मिलता है, 13 इंच का यहाँ पर आपको भाई स्पेयर व्हील देखने के लिए आपको मिलता है। ये तो सभी कार कंपनीज करती हैं भाई कि यहाँ पर आपको 1 इंच कम ही देते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिट एंड फिनिश में कोई भी दिक्कत इतनी मुझे नहीं लग रही, डिसेंट है यार इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, अपना परफेक्ट गाड़ी कहने की आपकी बन जाती है भाई। ग्लोबल एंड कैप में 4 स्टार रेटिंग है इस गाड़ी को, एक परफेक्ट फैमिली कार आपकी कहने के मिल जाती है। यहाँ पर आपको पेट्रोल की जगह देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है भाई। इस गाड़ी में आपको 1200 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपके 84 bhp पावर निकालता है, और 20 के आसपास कंपनी इसका माइलेज भी क्लेम करती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बम्पर पर देखो रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, साथ में अपना 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और थोड़ा सा क्रोम भी देखने के लिए नीचे मिल जाता है, तो बढ़िया लगती है भाई हर एक चीज़। तो इस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।